नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इसी YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में आजकल आप देख रहे होंगे लगातार एक से एक वैकेंसी आ रही है, जैसे कि जेल प्रहरी, पटवारी, आबकारी विभाग, पुलिस आरक्षक, तो यहाँ पर लगातार वैकेंसी तो आ रही है। लेकिन बहुत से लोगों ने काफ़ी समय से PB यानी कि प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड का फॉर्म नहीं भरा है, तो ऐसी कंडीशन में उनकी जो प्रोफाइल होती है PB यानी कि प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड की प्रोफाइल गुम हो चुकी है या फिर मिल नहीं रही है, तो ऐसी कंडीशन में मैं वो खुद अपने घर पर ही आवेदन करना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर या तो उनकी प्रोफाइल उनके पास उपलब्ध नहीं है या फिर उनकी प्रोफाइल ठीक तरीके से अपडेट नहीं है। तो यहाँ पर किस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल का पंजीयन क्रमांक सर्च करना है, निकालना है, किस तरीके से अपडेट करनी है, क्या कैसे क्या रूल रहेंगे, यहाँ पर आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पासवर्ड किस तरीके से रिकवर करेंगे, पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर गूगल पर सर्च कर देना है PEBMP ऑनलाइन। जैसे ही सर्च करोगे तो फर्स्ट लिंक आ जाएगी जिस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन दिए गए, उपलब्ध सेवाएं, उम्मीदवार का प्रोफाइलिंग, विकलांग पंजीयन। तो यहाँ पर सिंपली उम्मीदवार का प्रोफाइल का सेक्शन में आपको आ जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आने के बाद देखिए प्रोफाइल से रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि नया प्रोफाइल पंजीयन अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर पढ़ लेना है क्या आपके पास पूर्व में पंजीयन प्रोफाइल ID है। अगर है तो यहाँ पर हाँ करें, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो करें, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर हाँ किन को करना है, नो किन को करना है, ठीक है ना। यहाँ पर होता है जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल रहे हो, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पिक्चर कैप्चर डालने के बाद यहाँ पर OTP के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इस मोबाइल नंबर पर, इस ईमेल आईडी पर एक आईडी पासवर्ड जनरेट होकर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आईडी पासवर्ड ही रहेगा, उस पर कोई भी डिटेल फिलअप नहीं होगी, उस पर कोई भी व्यक्ति कोई भी डिटेल फिलअप कर सकता है, कोई भी अपनी प्रोफाइल बना सकता है, बिल्कुल न्यू आईडी पासवर्ड आएगा, ठीक है ना, न्यू आईडी बनाने के लिए। अगर इस कंडीशन में मान लीजिए आपके पास न्यू आईडी पासवर्ड है, तभी आप उम्मीदवार के प्रोफाइल की प्रोफाइलिंग सेक्शन में जाके फर्स्ट नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करें, प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म पर क्लिक करें और यहाँ पर हाँ करें। अगर आपकी प्रोफाइल पंजीयन पहले से, बहुत पहले से बना हुआ है, तब जाकर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है ना। देखिए सेकंड नंबर का ऑप्शन दिया गया ना, प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म संशोधन, यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपको प्रोफाइल पंजीयन पुराना है और अगर नया है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर नया जनरेट करने के बाद तो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया ही नहीं होगी, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर आना है आपको, यहाँ पर हाँ करना है और अपना नया प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक पासवर्ड यहाँ पर डालना है और यहाँ पर कैप्चर डालना है, यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है, फिर आधार नंबर आपसे मांगेगा तो आधार नंबर डाल देना है। ध्यान रहे एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपके आधार कार्ड पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आधार OTP के माध्यम से आपकी प्रोफाइल क्रिएट होने वाली है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। आधार नंबर डालोगे यहाँ पर, आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसको वेरीफाइड करोगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो नाम वगैरह, डिटेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, तो ये तो ऑलरेडी भरी आ जाएंगे। यहाँ पर बस आपको बेसिक डिटेल भरनी है, जैसे कि एजुकेशन डिटेल, मैरिज, अनमैरिज, बच्चों की संख्या वगैरह, और यहाँ पर फोटो सिग्नेचर और हैड राइटिंग, और सिंपली यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10वीं की मार्कशीट, और यहाँ पर अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको जाति अपलोड करना होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम दोबारा से बैक इसी पोर्टल के होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये तो हो गई नई प्रोफाइल बनाने की बात। अगर आपका पुराना प्रोफाइल पंजीयन नहीं मिल रहा है तो उसे किस तरीके से ढूंढोगे, तो यहाँ पर देखिए आवेदन संख्या खोजे के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ परीक्षा सूची में यहाँ पर आपको कैंडिडेट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सिंपली आपको अपना नाम डालना है, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, यहाँ पर आरक्षण OBC SC ST जो भी है उसे डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर OBC है तो S करें, SC है तो S करें, ST है तो S करें, और जनरल पर तो नो रहेगा ही। यहाँ पर पिक्चर कैप्चर डालें, आगे बड़े बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी और आपका आवेदन क्रमांक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको बैक इसी साइड पर आ जाना है,
हैं, आवेदन क्रमांक नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको उम्मीदवार की प्रोफाइलिंग पर आना है। यहाँ पर आपको देखिए थर्ड नंबर का ऑप्शन दिख रहा हो, फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपका आवेदन क्रमांक है उसे डालना है। यहाँ पर सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो भी आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड हो। इसके बाद यहाँ पर पिक्चर कैप्चर और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्रोफाइल पंजीयन सहित यहाँ पर पासवर्ड पहुँचा दिया जाएगा। अब उसी पासवर्ड की मदद से दोबारा से आपको इसके होम पर आना है। यहाँ पर उम्मीदवार की प्रोफाइल पर आना है। सेकंड ऑप्शन दिया गया प्रोफाइल पंजीयन का, प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड कैप्चर और एडिट प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जो भी सुधार करना चाहो कर सकते हो। इसके बाद हम दोबारा से प्रोफाइल के होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोबारा से हम उम्मीदवार की प्रोफाइलिंग पर आ जाते हैं। और भी कई ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रोफाइल रसीद पुनर्मुद्रण, अगर आपके प्रोफाइल में दस्तावेज अपलोड नहीं हुए हैं वो प्रोसेस रह गए। ये दो स्टेप होते हैं ना, पहली स्टेप में आपको डिटेल भरनी होती, दूसरी स्टेप में आपको अपलोडिंग करनी होती। तो यहाँ पर बस अगर आपकी प्रोफाइल में अपलोडिंग ना हुई हो तो यहाँ से अपलोडिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप दोबारा से प्रिंट आउट निकालना चाहो अपनी प्रोफाइल का तो उसे भी निकाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ लगभग फिफ्थ नंबर का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है, प्रोफाइल पंजीयन में मोबाइल नंबर अपडेट एवं पासवर्ड प्राप्त EKYC सत्यापन द्वारा। मतलब कि अगर आपकी प्रोफाइल मोबाइल नंबर गुम हो चुका है, जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था और नया नंबर चढ़ाना चाहते हो तो इस चीज़ का ध्यान रहे, जो नया नंबर आप चढ़ाना चाहते हो वो आपके आधार कार्ड में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर प्रोफाइल में एडिटिंग कर सकते हो और अपने पुराने नंबर को हटाकर नया नंबर डाल सकते हो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि पुराना नंबर चढ़ा होता है तो यहाँ पर आपके पास पासवर्ड तो होता नहीं, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ की भी आपको समाधान मिल जाती है। सिंपली आपको प्रोफाइल पंजीयन सर्च करने के बाद यहाँ पर नया मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर पिक्चर कैप्चर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आधार नंबर मंगाया, आधार से OTP लेगा, OTP के बाद ऑटोमेटिकली आपका नंबर यहाँ पर रीसेट कर देगा, ठीक है ना, मतलब कि बदल देगा। इसके बाद यहाँ पर और भी ऑप्शन लास्ट का एक देखने को मिल जाता है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि आवेदन का प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक प्राप्त करें। अगर आप आवेदन का प्रोफाइल पंजीयन प्राप्त करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर भी देख लेते किस तरीके का ऑप्शन दिए गए हैं। सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि कृपया अपना प्रोफाइल में मोबाइल नंबर डालें, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पर सिंपली आपको अपना पिक्चर कैप्चर डालने के बाद आगे बढ़े के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक OTP वगैरह आएगा, OTP के बाद यहाँ पर सिंपली आपको OTP डाल देना है और आपके मोबाइल पर मैसेज द्वारा यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर बताई गई डिटेल आपको पसंद आई होगी। अगर डिटेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।